ग्राम पंचायत देलारी जो रायगढ़ ब्लॉक और जिला रायगढ़ के अंतर्गत आता है। यह रायगढ़ का एक दूरस्थ गांव है जो तमनार ब्लॉक के समीप पड़ता है। यहां विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से गांव के 800 लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। लड़का हर कब जाती रही था किसे किसे लड़का ला थोड़े पता हाँ लड़का जाके छू दिता वो फेंका दिता रोत रहता हम जाके निकले ता देखे ना तो ओकर बाद जब बिजली विभाग ला कुछ सूचना जानकारी दे ता फोन करके बताए ना तौले नी ता नी आई मैं भेजा था के सब नी आई ता हमर पहला हलवा के मैं जब फंस गई ता फेन वाला फेन फोन कर ना बताए हन तुम्हारे काम और किसे प्रभावित होते बैला खत्म हो गया मोर कहना है अब खेती किसानी काल में कर बैला खत्म हो गया अब पर यह हुई हमर खेती है अब बिसाबो तो हुई 20-25 हजार 35 हजार ओ ये मैं घीतन तार में लगे रहते खम्मा में भिया में लगाए रहे थे तार में बैला ये ती लिया आती तो बैला के गोड़ में फांस के नीचे में हो नीचे तब बैला में किरंट लग गई तब बैला गिर गई वहाँ ले तकर बाद में मैं से कुछ दिन देखी नहीं किनी गेड़ा गुड़ी लांग के थोड़ा टड़िया टुड़ी के खींच खींचा के थोड़ा दूर करी खम्भे में उसमें करंट आने की जो दिक्कतें आ रही हैं शिकायतें आ रही हैं उस पर आपके विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। नहीं लगातार ऐसा कोई भी घटनाओं का पता नहीं चला है अभी ये दूसरा ही घटना है है ना इसमें भी पता चला है कि ये सर्विस वायर ना इस खंभे का इंसुलेशन लेवल कम हो गया था जिससे वो स्टेम में सट के करंट आ रहा था घटना में भी पता चला है अभी। तो ये समस्या जो है वो केबल वायरिंग के बाद ही हो रही है कि पहले नहीं नहीं ऐसा कोई केबल वायरिंग से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। इससे पहले भी एक बच्चे को करंट लगा हुआ था विभाग ये क्यों देखती है कि किसी बड़ी घटना के बाद ही वो जागती है और इस प्रकार की कार्रवाई या उसको बनाने का काम करती है ऐसा क्यों होता है। नहीं बच्चे को कोई करंट नहीं लगा है बच्चे को जो करंट लगा है बोला है ना उसके हाथ देखने से ही पता चलेगा आपको कि वो हाथ गर्म जो स्टे गर्म है ना उसी से उसका हाथ जला हुआ टाइप का दिख रहा है बाकी वो करंट का नहीं है। वो लोगों का कहना है कि वो तार को छूने के बाद उसका ये हाल हुआ हाँ, तो तार गर्म हो गया था उतना तार गर्म तार को छुएंगे तो हाथ तो जलेगा ही इस टाइप से हुआ है गर्म तार भी उस सर्विस वायर के कारण ही हुआ है वो। तो इसके लिए आप किस प्रकार के उपाय कर रहे हैं। इसको तार को ही काट के निकाल दे रहे हैं अभी तो जी जो प्राथमिक उपचार है उसका कर दे रहे हैं और जो सर्विस तार उसमें टच हो गया था उसको भी हटा दिए हैं और नया जोड़ रहे हैं उसको जी। ग्राम पंचायत देलारी की इस समस्या को देखते हुए यहाँ के जूनियर इंजीनियर श्री सुरेश गुप्ता को 9993694697 पर फ़ोन करें और इस समस्या से अवगत कराएँ ताकि गाँव में उचित व्यवस्था हो और इस प्रकार की लापरवाही और देखने को न मिले। साथ ही रायमती के मरे हुए बैल का विभाग द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। मैं राजेश गुप्ता जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।